अहम खबर आपको देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला सलीम ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखकर आगाह कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला सलीम ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखकर आगाह कर दिया है। इस हवाले से कमर मेकन से जानेंगे। कमर बताइए, खत में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी बताया, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो 25 अक्टूबर को होगा। इस बारे में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला सलीम ने अपना जो खत है वो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जो है वो भेज दिया है, जिसमें आगाह किया गया है कि 25 तारीख को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। और उसके साथ साथ रजिस्ट्रार ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस के मौका पर जो तकरीर होगी उसकी कॉपी भी मांग ली है। याद रहे उस दिन सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी तकरीर करते हैं और अलविदाया जो है वो अपना चीफ जस्टिस को पेश किया जाता है, जबकि इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद होंगे फुल कोर्ट रेफरेंस में। बाकी मेहमानों समेत तमाम जजेस जो हैं वो भी शमूलियत करेंगे। जी, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। कमर मेकन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला सलीम ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखकर आगाह कर दिया है। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया।